तो नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल टेक्नो रेंज में। गाइस, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि कैसे आप जो है BGMI अपने किसी भी iOS डिवाइस में आईफोन में कर सकते हैं बहुत ही इजीली। अगर आपको नहीं पता कि कैसे भाई जो है अपने जो है आईफोन में BGMI को डाउनलोड करें, क्योंकि ऐप स्टोर में आपका BGMI अभी शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे गाइस कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसी से रिलेटेड आज आपको हम सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया गाइस, तो आपको यहाँ पे कोई भी इशू नहीं होगा अपने BGMI को अपने आईफोन में डाउनलोड करने में। यहाँ पे गाइस आपको बस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप इस वीडियो को देखें तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे ऐप स्टोर को सबसे पहले मैं ओपन कर लूंगा। अब यहाँ पे गाइज आपको मैं दो मेथड बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है यहाँ पे BGMI को डाउनलोड कर सकते हैं अपने आईफोन में। यहाँ पे गाइज अगर आपके आईफोन में ऑलरेडी पहले से जो है BGMI डाउनलोड था, आपने उसको डिलीट कर दिया था बाद में, पहले से इंस्टॉल था, तो कैसे आप जो है उसको अगेन से इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब आपके आईफोन में वो पहले से पड़ा हुआ था लेकिन अभी आपने उसको डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो पहला मेथड ये है आपका गाइज। और दूसरे मेथड में आपको बताऊंगा अगर आपके आईफोन में पहले से नहीं था तो आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं BGMI को सर्च करूंगा गाइज, यहाँ पे सर्च पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं BGMI लिखता हूँ। तो यहाँ पे गाइज जो है BGMI मैंने लिख के सर्च किया है गाइज, और यहाँ पे देख सकते हैं BGMI कहीं भी हमारा शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे न्यू स्टेट मोबाइल पबजी का आ रहा है, ठीक है। तो अब गाइज जो है BGMI को कैसे आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, सबसे ऊपर आपको प्रोफाइल वाला बटन दिखेगा आपके ऐप स्टोर में, आपको प्रोफाइल वाले आइकन पे चले जाना है। अब यहाँ पे गाइज आपको देखने को मिलेगा आपका अकाउंट, और यहाँ पे आपको परचेज्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइज। आपको ये परचेज्ड वाला ऑप्शन जो है इसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। आप देख लीजिए यही वाला ऑप्शन, आपको इस पे जाना है। जैसे ही जाएंगे गाइज तो यहाँ पे आपको सारे जो भी ऐप आपने रिसेंटली अपने डिवाइस पे इंस्टॉल किए होंगे वो सारे जो एप्लीकेशन आ जाएंगे, चाहे वो आपने डिलीट कर दिए हो या आप अपने फ़ोन में रखे हो, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे गाइज मैंने BGMI को बहुत पहले अपने आईफोन में डाउनलोड किया था, तो यहाँ पे BGMI जो है हमारा लास्ट में एकदम जो है देखने को मिलेगा। देख सकते हैं गाइज यहाँ पे 19 मई 2022 को अपने आईफोन में किया था, और यहाँ पे जो है BGMI अभी यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन गाइज यहाँ पे जब भी आप जो है BGMI पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा कैन नॉट कनेक्ट टू ऐप स्टोर। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे क्लिक करेंगे गाइस तो यहाँ पे आ जाएगा कैन नॉट कनेक्ट टू ऐप स्टोर। तो डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ पे इसके बगल में सिंपली आपको एरो देखने को मिल जाएगी, डाउन एरो, आपको यहाँ इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे गाइस तो यहीं से आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको कभी भी जो है BGMI ऐप पे नहीं जाना है। यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करेंगे जो है राइट साइड में, तो यहाँ पे आपका जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं गाइज हमारा जो BGMI है वो अभी डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई अगर आपके फ़ोन में पहले से इंस्टॉल नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो भाई आपको किसी ऐसे फ्रेंड से उसकी जो है एप्पल ID ले लेनी है जिसके में ऑलरेडी BGMI पड़ा हुआ था या इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अब अगर आपके पास में कोई ऐसा फ्रेंड है तो उससे आप ले सकते हैं, नहीं तो आप पेड भी ले सकते हैं, किसी को थोड़े बहुत पैसे दे करके उससे ले करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस जो है अब सिंपली जैसे ही मेरा BGMI डाउनलोड हो रहा है, इसको मैं पहले सबसे कैंसिल कर देता हूँ और आपको बताता हूँ अगर आपने आपके पास में एप्पल आईडी आपको मिल गई है आपके फ्रेंड की तो कैसे आपको यहाँ पे नई एप्पल आईडी लॉगिन करनी है जिससे आप BGMI को डाउनलोड कर पाएं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे गाइज आपको देखने को मिलेगा आपके आईफोन में सेटिंग का ऑप्शन, जो कि सभी के आईफोन में होता है। यहाँ पे गाइज सेटिंग पे आपको जाना होगा। सेटिंग में जाएंगे, सबसे ऊपर आपको आपकी एप्पल आईडी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे नाम से भी एप्पल आईडी है। तो यहाँ पे गाइज आपको सिंपली क्या करना है, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। सबसे ऊपर जो आपको देखने को मिला इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे गाइज जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको साइन आउट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको आपके जो है एप्पल आईडी को अकाउंट को साइन आउट कर देना है, लॉगआउट कर देना है। सबसे पहले आपको अपने अकाउंट को लॉगआउट करना है, फिर उसके बाद में आपको साइन इन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पे जाना है और आप क्या जो भी आपका फ्रेंड हो, जो भी उसकी एप्पल आईडी हो, अगर ईमेल से बनाए तो ईमेल से, या फोन नंबर से बनाए तो फोन नंबर से, आपको यहाँ पे सिंपली उसकी एप्पल आईडी लॉगिन कर लेनी है। जैसे ही आप उसकी एप्पल आईडी लॉगिन करेंगे तो आपको सेम प्रोसेस करना है, आपको अपने ऐप स्टोर पे जाके वही प्रोसेस करना है जो मैंने आपको बताया है। वहाँ से आप जाके जो है अपने इस फोन में जो है आईफोन में इसको सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ही आराम से। तो ऐसे करके गाइज अगर आपका BGMI जो है ऐप स्टोर में शो नहीं कर रहा, आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, प्ले करना चाहते हैं, तो इसी तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइज ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में ऐसे ही कमाल की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।